करहल सीट पर रोमांचक हुआ मुकाबला। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा। बीजेपी विधायक ने दिया समाजवादी पार्टी को झटका। 13 दिन बाद फिर बीजेपी में लौट आया ये विधायक। करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने इस नेता को बनाया उम्मीदवार। आजाद भारत में बजट की यात्रा, वित्त मंत्रियों ने बनाया इतिहास। समय के साथ बदलता गया बजट का रूप रंग। स्थानीय कमीशन से वंचित नौसेना अफसरों को सेवा मुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। टिकट कटा तो बागी हुए बीजेपी विधायक अजय प्रताप। सपा नेता से मुकाबला के बाद किया बड़ा ऐलान। नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली के स्थान पर अमित शाह का कानपुर कार्यक्रम स्थगित। अब इस दिन आने की उम्मीद। उत्तराखंड हाई कोर्ट पर निराधार आरोप लगाने वाले को भरना होगा 25 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत। बीजेपी ने एसपी को दिया बड़ा झटका। एसपी एमएलसी रमेश मिश्र हुए बीजेपी में शामिल। योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी में 60 हमारा, 40 में बाकी का बंटवारा, बंटवारे में भी हिस्सा हमारा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।